हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। तो मैं ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और मैं इसी वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आज है फ्राइडे, तो काफ़ी दिन हो गए हैं मंदिर नहीं गई हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दूर है मंदिर और ई रिक्शा वगैरह है कुछ भी जल्दी नहीं मिलता है, या फिर तीन चार लोगों तो ई रिक्शा मिल जाता है, अकेले के लिए तो ई रिक्शा नहीं आता है यहाँ तक कि। तो यहाँ पे मैं फिर पैदल ही चलकर आई थी, बहुत थक गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दर्शन कराती हूँ माँ संतोषी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी क्योंकि ये ना जो शादी के जोड़े आते हैं यहाँ पे, मुंडन है और कहते हैं ना कि मुँह जिठारते हैं बच्चों का, वो भी हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ मंदिर हैं, ये देखिए खाली हैं। तो यहाँ पे दर्शन आराम से हो गए हैं, तो आप सभी को दर्शन करा देती हूँ। तो जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हूँ कि क्या करूँ दूर की वजह से, और कोई सवारियाँ भी नहीं जल्दी मिलती हैं। तो ये देखिए मैं दर्शन कर लेती हूँ और बहुत मन को शांति मिलता, अच्छा भी लगता है। और क्योंकि यहाँ पे पूछने भी आई थी कि मुझे उद्यापन भी संतोषी माता का करना है, तो बिना पूछे एक अच्छा नहीं रहता है कि कब क्या करूँ, तो पूछना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो पंडित पुजारी हैं तो उन्हीं से पूछा था, तो उन्होंने कहा था अम्बाउस के बाद आप कर सकती हो, तो यही शुक्रवार को मैं कर दूँगी। और यह है मॉर्निंग का समय यानी कि शनिवार का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूमने आई थी सुबह सुबह, अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी चलने लगी हैं, तो अब थोड़ा सा मैं घूम लूँगी सुबह सुबह की, क्योंकि सुबह की ना बहुत ज़्यादा काम रहता है जब बच्चों की स्कूल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में भजिया और चाय बना दिया है, बच्चे खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए ये मॉप देख रही थी, तो ये टूट गया था। तो ये देखिए आम, ये कच्चा आम है, तो ये देखिए ना कितना दिल का जैसे मैंने रूप है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी फल हो या सब्जी हो तो ना आकृति ऐसे ऐसे ले लेते हैं कि मन खुश हो जाता है देखते। और तो बड़ा बच्चे अभी हंस रहे थे कि मम्मी देखो दिल बना है, तो वही लेकर आए थे, तो मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर देती हूँ, बच्चों को काट के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं ना, कच्चे आम बहुत पसंद करते हैं नमक के साथ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन पे, क्योंकि जब से मैं बीमार पड़ी हूँ कम से कम एक हफ्ते के तो कपड़े हो ही गए थे। तो यहाँ पे ना अपने यहाँ इस समय इतना टीवी चल रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, तो इस समय तो यहाँ पे ना दिन भर मेरे यहाँ टीवी चलती रहती है, तो इस वजह से मुझे ना अपनी वॉइस डालनी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि कॉपी के क्लेम आने के बहुत डर रहता है। क्योंकि मैंने एक बार डाला तो कॉपी क्लेम आ गया, फिर दोबारा मुझे वॉइस अपनी डालनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं कह रही थी मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं और यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने आई हूँ और बच्चों के लिए खाना भी बना दिया है। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन तो पड़े हैं धुल लेते हैं। तो क्या दिखाना, तो मैं वही आपके साथ जो भी थोड़ा थोड़ा है वीडियो शूट करके मैं दिखा रही हूँ, जो भी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मेरा यही है। तो यहाँ पे देखिए किचन मैंने साफ़ कर लिया है, और कहते हैं ना कि जब किचन साफ़ होता है तो मन भी बहुत खुश होता है, और क्योंकि हेडक ना किचन ही होता है, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो फिर आराम से भी लेट भी लो, आराम भी कर लो। यहाँ पे जो बर्तन पड़े ये भी मैंने धुल के रख दिए हैं, ये देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। अब हम आराम से थोड़ा सा दवा खा लेंगे और लेट जाएंगे, क्योंकि ये मेरी ना वीडियो दूसरे दिन जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, आराम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखिए शाम को सब्ज़ी लाए थे तो ना मैं रखने के लिए भूल गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो बच्चे लाए थे सब्ज़ी तो ना झोले में रह गई ऐसे ही रखे, और बच्चों ने निकाला भी नहीं। तो यहाँ पर तुरैया है और ये परवल है ना, थोड़े से सूखे सूखे हो गए तो इन्हें हम पानी में डाल देते हैं, और तुरई और परवल को तो ये थोड़ा हरे हो जाते हैं, पानी में डालते ही ये थोड़ा हरे हो जाते हैं, और जो बेकार हो गए तो इन्हें काट देते हैं। मैं अपने आप सब्ज़ी लाती हूँ पर बच्चों से नहीं मंगाते। ये कटहल मेरे हस्बैंड लाए थे जहाँ काम करते हैं, पेड़ से काट के लाए थे, तो ये मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और ये आलू मैंने इस मेरे स्टैंड में रख दिया है, और बस अब मैं फोल्ड करने जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े हमारे सूख चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए फोल्ड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे क्योंकि एक हफ्ते के कपड़े इतने हो गए थे, बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठा करते रहे क्योंकि बच्चे धुल नहीं पाते। और हाँ ऐसे है कि अपने पैंट शर्ट धुल लेते और
कोई कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख देती हूँ कपड़ों को सारे तह के, और यही है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो भी न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल उसको दबा दीजिए। और जो भी है वीडियो तो मैं अपने जो व्यूवर्स हमारे देखते हैं मैं उनके लिए डाल रही हूँ, और प्लीज़ कंटिन्यू।